सामाजिक लेवल से परे महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए समर्पित प्रमुख मंच शीज इंडिया को माधुरी पाटले की असाधारण उपलब्धि की घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है, जिन्हें मिसेस यूनिवर्स एम्पावर्ड 2023 और मिसेस यूनिवर्स फेस 2023 का खिताब अपने नाम किया है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित मिसेस यूनिवर्स पेजेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली माधुरी पाटले के लिए इस प्रतिष्ठित खिताब तक की यात्रा अविश्वसनीय रही है। शीज इंडिया की स्थापना 2016 में रिचर्ड सिंह द्वारा की गई और तब से यह भारत में मिसेस यूनिवर्स की ऑफिशियल फ्रेंचाइजी रही है। इसकी टैगलाइन ब्रेव बोल ब्यूटीफुल है। महिला सशक्तिकरण के विषय को ध्यान में रखते हुए शीज इंडिया भारतीय महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ खुद को सबसे अच्छा दिखाने का मौका प्रदान करता है। उन्हें एक मंच प्रदान करके अपनी राय व्यक्त करने और टैबू स्टीरियोटाइप्स और ग्लास सीलिंग की सीरीज को तोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। बहुत अच्छा लग रहा है इसके बारे में। मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है। जब आप एक क्राउन जीते हो तो आप एक क्राउन नहीं, आप उस दिन अपना देश बन जाते हो एक साल के लिए, और आप एक आपकी सर के ऊपर एक जिम्मेवारी आ जाती है देश के प्रति, जो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके निभानी पड़ती है। तो काफ़ी जिम्मेवारी भरा भी रहता है ये। मेरा अनुभव काफ़ी सुंदर था। मुझे बाकी देशों की लड़कियों से भी मिलने का मौका मिला। वहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फोरम होता है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के प्रति, क्योंकि हमें लगता है कि इंडिया में ही ये हो रहा है, पर जब आप बाहर के देशों के लोगों को भी मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये हमारी धारणा है कि गाँव में ही शायद होता है। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़े शहरों में भी होता है। और आजकल तो वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वहाँ पे एक डेलीगेट थी, उन्होंने खुद बोला कि वो अब्यूज़र थी। उनको रियलाइज़ हुआ कि वो अब्यूज़र थी, उन्होंने थेरेपी ली और जाके फिर उनको समझ में आया कि मैं हूँ। तो उसको बोलने के लिए भी आपको गट्स लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो और वहाँ पर ऐसी भी लड़कियाँ थी जिन्होंने सिर्फ ये नहीं कि हम लड़कियाँ हैं तो हम लड़कियों के प्रति ही बोलेंगे, उन्होंने ये भी बताया कि आजकल लड़कियाँ भी कैसे लड़कों को मैनिपुलेट करती है, वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का भाग है। तो इस प्रकार से हमारा काफ़ी लंबा सेशन चला, काफ़ी रोना धोना हो रहा था, सबके दिल भर आ गए थे वहाँ पे कि कितनी स्टोरीज आपको एक दिन में सुनने को मिल जाती हैं। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद अनेक राउंड हुए, गाउन राउंड्स हुए, वॉक के राउंड्स हुए, चैरिटी बॉल्स के राउंड हुए। सो बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। देखिए, जितना मुझे याद है 100 देशों की लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है और उनको मैंने टक्कर देके एम्पावर्ड वुमन का बहुत इंपॉर्टेंट सब टाइटल भारत देश लाई हूँ मैं। महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि पहले आप जानिए कि आपके साथ एक्चुअली अब्यूज़ हो रहा है। बहुत बार हमारे देश में या समाज में लड़कियों को बचपन से जैसे सिखाया जाता है, ये कोई ऐसे नहीं, मैं किसी और की बात कर रही हूँ, आपके साथ भी, हमारे साथ भी, हमें भी ये सिखाया गया था कि चुप रहिए, लड़की हैं आप, ज़्यादा नहीं बोलना होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बोलिए। ये आपको दबाने की कोशिश है। जब कोई आपको कहता है कि मत बोलिए, इसका मतलब वो आपको दबाना चाह रहा है। तो आपके आपको अगर लग रहा, पहले तो आपको लगना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमारे समाज में जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जो पुरुष ये करते हैं उनको भी ये नहीं पता है कि वो एक्चुअली क्रिमिनल है या वो क्राइम कर रहा है। मुझे लगता है वहाँ जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो मेरे दोस्तों को दिखाया तो उन लोगों के भी मुझे कई रिएक्शन आए कि ओहो, अभी हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, अब हम समझ गए। अब मैं बता रही हूँ, मेरे दोस्त जो कि मेट्रो शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद उनको भी ये बात नहीं मालूम थी। तो हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है और लड़कियों को भी खुद को जागरूक करना, हिम्मत बांधना और सही समय पे मदद की पुकार लगाना भी बहुत ज़रूरी है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित मिसेस यूनिवर्स के 46वें एडिशन में मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पाटले ने दो बड़े खिताब मिसेस यूनिवर्स एम्पावर्ड 2023 और मिसेस यूनिवर्स फेस 2023 जीते। माधुरी पाटले की असाधारण यात्रा ने प्रतियोगिता में सफलता के साथ समापन पाया और वह कृपा, शक्ति और सशक्तिकरण का प्रतिबिंब बनकर सामने आई। इस खास अवसर पर शीज इंडिया की फाउंडर डायरेक्टर रिचर्ड सिंह ने कहा कि शीज इंडिया माधुरी पाटले को उनकी अविश्वसनीय सफलता के लिए बधाई देती हैं और उम्मीद करती हैं कि वह पावर फॉर चेंज की आवाज बनकर शीज इंडिया की विरासत को जीवित रखेंगी।
यह संगठन महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी असीमित क्षमता दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए समर्पित है। ये हमारा 8th एडिशन था और हम 8th एडिशन से मेरा मतलब है कि ये हमने 8वीं बार किया है। 2016 में हमने शुरुआत की और संपूर्ण भारत से महिलाएं आती हैं हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने। हमारा 6 दिनों का पैजेंट होता है और उसमें जैसे कि पहला दिन फोटोशूट वगैरह जिसके माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं वो करते हैं, ट्रेनिंग होती है और फोरम होता है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, और फिर आखिरी दिन पे एक नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड होता है, एक इवनिंग गाउन होता है और क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। तो पूरे भारत से लड़की आई थी, उनमें माधुरी ने उस दिन सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके इंडिया को रिप्रेजेंट करने का उसने ये अपॉर्चुनिटी उसको मिली और वो मिसेज यूनिवर्स इंडिया के रूप में मिसेज यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने गई। माधुरी पाटले की सफलता की कहानी अपने आप में हमारी यात्रा में एक मील का पत्थर है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।